चेयरमैन वो सब आंख मूंद कर शिक्षा माफियाओं के गोद में, मैं तो यही कहूंगा शिक्षा माफियाओं के गोद में जा बैठे हैं। जैमर लगा हुआ है, मोबाइल लेके अंदर जाना नहीं है, तो 14-14 पेज कैसे बाहर हो गए? सबूत अर्धगर्भाधिकारी को चाहिए, परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा, पेपर रद्द करना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा आंदोलन पुनः इसी पटना के धरती में आपको देखने को मिलेगा। पेपर लीक हुआ है तो रद्द करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो क्लिप को आप पूरा देख लिए, एग्जाम 100% रद्द होगा। अगर एग्जाम 100% रद्द नहीं होगा तो पटना के अंदर महा आंदोलन होगा। कल सभी टीचर और स्टूडेंट मिलकर आर्थिक अपराध इकाई EOU जा रहे हैं। सभी उनको क्या चाहिए? आर्थिक अपराध इकाई को सबूत चाहिए, और सबूत हम लोग मिलकर दे रहे हैं। एग्जाम 100% कैंसिल होगा, नहीं होगा कैंसिल तो पटना के अंदर महा आंदोलन होगा, और 100% विभाग को एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि BPSC के आयोग के चेयरमैन SK द्विवेदी सर को सभी प्रूफ दिया गया, फिर भी वह बोले नहीं एग्जाम शांतिपूर्वक ढंग से हुआ है, कहीं कोई चीट नहीं निकला है, कहीं कोई पेपर लीक के मामला नहीं आया है। तो दोस्तों अब एक ही वजह आता है, आर्थिक अपराध इकाई, उनको सिर्फ सबूत चाहिए। अगर आप लोग के पास सबूत है तो आपको नंबर कल भी हम आपको दे दिए थे और सारे प्रूफ हम आपको दिखाए थे, मेरे पास कितना प्रूफ है। तो सभी टीचर स्टूडेंट और जो भी छात्र नेता, दिलीप जी है, एक और है सौरभ जी, तो सभी मिल के कल आर्थिक अपराध इकाई जा रहे हैं और उनको सबूत देने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद 100% आपका एग्जाम कैंसिल होगा। तो आप लोग के किसी के पास अगर कोई भी प्रूफ है तो आप लोग, हम नंबर आपको नोट करवाते हैं, इस नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं। हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं, किसी के पास अगर देख लीजिए कोई भी अभी भी प्रूफ है तो आप लोग दे सकते हैं। 8051305735। और पेपर तो लीक हुआ है 100%, और दोनों शिफ्ट का एग्जाम जब भी रद्द होगा तो दोनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द होगा, क्योंकि महा आंदोलन होगा। अगर आंदोलन में नहीं हो पाया हर चीज़ फिर भी नहीं होगा तो कोर्ट केस होगा, इसीलिए हम लोग को हार नहीं मानना है। सभी स्टूडेंट जोर शोर से जिसके पास भी कुछ भी है तो बेहिचक इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। 100% पेपर लीक हुआ है, KS द्विवेदी सर क्या बयान दे रहे हैं, क्या उनका स्टेटमेंट आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर यही है जब आप एग्जाम क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, जब आपको इतना सबूत दिया गया, हर चीज़ दिया गया, फिर एग्जाम क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, क्या कारण है जब आप एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहे हैं? यही है जो शिक्षा माफियाओं के साथ सभी मिले हुए हैं, इसीलिए एग्जाम कैंसिल नहीं करवा रहे, क्योंकि जेमर के साथ, जो जेमर सिर्फ नाम के लगा हुआ था और जेमर के नाम पर असूली किया गया, अगर जेमर लगा हुआ है CCTV कैमरा से लैस है पूरे सेंटर, तो कैसे पेपर लीक हो गया है? कैसे पत्नी इधर से प्रश्न बता रही है, उधर से उनका हस्बैंड आंसर बता रहे हैं, और 3-4 और जिला में आया है, तो दोनों शिफ्ट के रद्द होना चाहिए, हर हाल में रद्द होना चाहिए। इसलिए जो भी स्टूडेंट के पास जो भी प्रूव्ड है आप लोग दीजिए, क्योंकि कल सभी टीचर और स्टूडेंट और छात्र नेता EOU जा रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई, सबूत लेके, और उनको सबूत देना है। उनको क्या चाहिए? सिर्फ सबूत चाहिए। अगर सबूत आप लोग दे रहे हैं तो 100% एग्जाम कैंसिल होगा। तो कल जो भी अपडेट आएगा हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जिस किसी स्टूडेंट के पास कोई भी सबूत अभी भी है तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सबूत इकट्ठा हो चुका है, इतना काफ़ी है एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए। इसलिए अभी भी और किसी के पास है तो आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि कल सभी टीचर और स्टूडेंट मिल के आर्थिक अपराध इकाई जा रहे हैं उन लोगों को सबूत देने के लिए। उसके बाद फिर जांच होगा और जांच में 100% पकड़ाएगा और उसके बाद एग्जाम कैंसिल होगा। इसलिए हार नहीं मानना है, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो महा आंदोलन होगा। तो दोस्तों सारी जानकारी बता दी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।